हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी आलू भिंडी मसाला। आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है। भिंडी को 2-3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। इनके ऊपर लगे पानी को सूती कपड़े से साफ़ कर लेंगे। डंठल को काट के निकाल देंगे, नीचे से भी थोड़ा सा काट देंगे। भिंडी को मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, आप छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इस तरह से चेक कर लेंगे भिंडी के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। सब्ज़ी बनाने के लिए एक टमाटर, वजन में 100 ग्राम टमाटर है। टमाटर को साफ पानी से धो लेंगे। टमाटर के टॉप को इस तरह से काट के निकाल देंगे और बारीक काट लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा साफ़ पानी से धो के छील लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे या बारीक काट लेंगे। 3 प्याज लिए हैं, प्याज को छील के बारीक काट लेंगे। वजन में 170 ग्राम प्याज हैं। 2 हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को मैं इस तरह से बीच में से छील रही हूँ। हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ जाएगा सब्ज़ी में, और जब हम सब्ज़ी को खाएंगे हरी मिर्च मुंह में भी नहीं आएगी खाते समय। ये मिर्च ज़्यादा तीखी वाली है, आप हरी मिर्च को बारीक भी काट सकते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, लगभग 60 ml तेल है ये। तेल की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तेल में से हल्का धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। तेल ठंडा हो गया है, हल्का गर्म है तड़का लगाने के लिए। गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, लो टू मीडियम पे की हुई है। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, जीरे को चटकने देंगे। हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे, अदरक डालेंगे, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है। चला देंगे, प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। गैस फ्लेम आप ज़रूरत अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं प्याज को फुल फ्लेम पे भून रही हूँ। प्याज भून गए हैं, टमाटर डाल देंगे, पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, 1 छोटी चम्मच पिसा धनिया, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल ना छोड़ दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला भून गया है, अब इसमें डालेंगे आलू। 250 ग्राम आलू लिए हैं मैंने। आलूओं को साफ पानी से धो लेंगे, छील लेंगे और इस तरह से काट लेंगे। आलू अच्छे से कोट कर देंगे मसाले में, पलट पलट देंगे। आलूओं को पकाने के लिए पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। आलू मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाए हैं, बीच में 3-4 बार चला दिया था। आलू में जो पानी डाला था वो सूख गया है, ये देखिए। आलू चेक करेंगे, आलू सॉफ्ट हो गए हैं, पूरी तरह से नहीं पके हैं, हल्के कच्चे हैं अभी। अब इसमें डालेंगे भिंडी, भिंडी को इस तरह से अलट पलट देंगे, मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगी भिंडी। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और कढ़ाई को ढक देंगे। भिंडी डालने के बाद सब्जी में पानी नहीं डालना है, इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं। सब्जी को मैंने 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है भिंडी डालने के बाद। भिंडी सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से पक गई है। आलू भी पूरी तरह से पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, सब्जी बन गई है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको आलू भिंडी की सब्जी की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।